हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं हैप्पी होम्स इंडिया। आज हम जिस प्रॉपर्टी को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है आरजी लग्जरी होम्स, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 16 बी में पड़ती है। ये हमारा दूसरा वीडियो है, एक महीने पहले हम एक दूसरा इसका वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो और नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं, इससे हमारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अब हम ये सामने आप जो रोड जा रही है वो आपकी 24 मीटर वाइड रोड जाती है। ये सामने आपकी जो रोड है वो आपकी 24 मीटर वाइड रोड आती है। ये आपका सुपरटेक का इको विलेज फोर आता है। सामने आप जो सोसाइटी देख रहे हैं वो इको गार्डन है। इसके अलावा आप जो इसके राइट एंड में जो सोसाइटी देख रही है वो फ्रेंच अपार्टमेंट आती है। सारी सोसाइटी यहाँ पे रेडी टू मूव इन है। ये वाली सामने आप जो सोसाइटी देख रहे हैं वो आपकी एस्काई गार्डन है। यहाँ पे फैमिलीज आ चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पूरा 18.5 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चला गया था, इसके बाद इसे आईआरपी को हैंडओवर दिया हुआ है जिसका कंस्ट्रक्शन आईआरपी कर रहा है। इसे जो फंड किया है वो आईआरपी ने फंड किया है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, सारे स्पेसिफिकेशन पे हम इस पे डिस्कस करते हैं। ये हम सी टावर में आए हैं। ये एंट्रेंस रहेगा, ये आपका वेटिंग लॉज है, ये गार्ड सिटिंग एरिया रहेगा, कॉरिडोर काफी अच्छा बनाया हुआ है। एक फ्लोर पे अगेन 4 लिफ्ट का प्रोविजन है, लिफ्ट इंस्टॉल हो चुकी है इसमें। 8 फ्लैट का कॉन्सेप्ट आता है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। एक 10 फीट का कॉरिडोर है, 2 फ्लैट का एक विंग है। कॉरिडोर काफी अच्छा है। ये हम 2 BHK का फ्लैट देखने जा रहे हैं। 1229 स्क्वायर फीट का फ्लैट आता है। ये आपका फॉयर का स्पेस है। ये भी फ्लैट रेडी नहीं हुआ है। वैसे आपका ये लिविंग एरिया है, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। इसके साथ ही ये आपका बालकनी का स्पेस है। एक किचन का एरिया है। किचन पूरा कंप्लीट मॉडल किचन बना के दे रहे हैं, विदाउट चिमनी एंड हॉब, विद यूटिलिटी बालकनी। ये मास्टर बेडरूम है। फ्लैट अभी गंदा है, ये काफी साफ नहीं हुआ है। इसके साथ ये अटैच्ड टॉयलेट रहेगा। इससे लेआउट का आइडिया आपको लग जाएगा। वार्डरोब का स्पेस चाहिए, एल शेप में आपका बालकनी आती है। सामने जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो क्रच बने प्ले स्कूल, बच्चों का प्ले स्कूल बन के आएगा। सामने वाला जो टावर आता है वो आता है आपका एम टावर आता है। बेसमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, पोडियम पे काम चल रहा है। इस सोसाइटी में सारे मास्टर बेडरूम की बालकनी एल शेप में आती है। ये कॉमन टॉयलेट हो गया आपका। वॉशरूम सारा कंप्लीट करके दे रहे हैं विद मिरर। एक सेकेंड बेडरूम है 11x12 का। ये आपका वार्डरोब का स्पेस रहेगा, इसके साथ ये बालकनी है।
थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो और नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर बजाएं, जिससे हमारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इस प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।